आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बुधवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री राम मंदिर भूमि पूजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया ने 5 दीपक जलाने को लेकर शहरवासियों से अपील की है। 5 अगस्त एक ऐसी तिथि है जिसमें समूचे भारत नहीं अपितु पूरे दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक गौरव का दिन है, क्योंकि 700 वर्ष पुराना संघर्ष का सुखद परिणाम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। हम सब लोग भी राम जन्मभूमि आंदोलन के तरुण कार्यकर्ता के रूप में और लंबे समय हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के में काम किए, और आज आगरा की जो राजनीति है उसमें भी लगभग 70% लोग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं। चूंकि राम जन्मभूमि आंदोलन हम सब लोगों की सामने आस्थाओं का सैलाब था, आज तो वो शायद देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस समय में तो जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग थे पीछे से आके हम लोगों को सहयोग करते थे, कहते थे कि आप इस पे कार्यक्रम में सहयोग लीजिए, हम तो सामने नहीं आ सकते, मगर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ऐसा भाव विपक्षी राजनीतिक दलों का लोगों का भी था। मैं इस पावन अवसर पर सभी आगरा वासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने आवास पर 5 दीपक जलाकर और पूरी शिद्दत के साथ श्री राम जय राम जय जय राम का पाठ करते हुए, और 5 दीपक लगा सकते हैं तो 5 दीपक लगाएं, और पूरा घर सजा सकते हैं तो पूरा घर सजाएं। ये क्योंकि संदेश जाना चाहिए कि जब लंका पे से भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे तब अयोध्या दीपों से सजी थी, दीपोत्सव बना था, और आज भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, तो पूरी दुनिया में संदेश जाना चाहिए के आज पूरे भारत में एक दीपोत्सव और दिवाली का वातावरण है। और जिस दिन ये आधारशिला रख जाएगी, भारत से राम जी की कृपा से कोरोना भी दूर हो जाएगा और परिस्थितियां भी ठीक हो जाएंगी, और राजधर्म संस्कृति की नई पीढ़ी को एक संकल्प सूत्र के रूप में भी हम सब लोगों को एक प्रेरणा मिल जाएगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है, इसके लिए मैं सभी लोगों से पुनः आग्रह करते हुए कि सभी लोग अपने यहाँ दीप जलाएं और अपने घर को सजाएं, घर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। निश्चित ही हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आदरणीय अशोक सिंघल जी जो उनका शरीर पूरा हो गया, हमारे कई संत महंत शंकराचार्य उनके शरीर पूरे हो गए, वो इस शुभ दिन का दर्शन नहीं कर पाए, मगर उनकी संघर्ष उनका संकल्प आज फलित होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए रोम रोम हमारे शरीर का पुलकित हो रहा है और गौरवान्वित हो रहा है कि हमने उस समय के भी साक्षी हैं। 90 में हमने वो वहाँ पर ढांचा देखा था, उसके बाद वो ढांचा भी टूटा, उसके बाद राम मंदिर का भी निर्माण हमारे सामने हो रहा है, तो हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। नई पीढ़ी को ये आंदोलन के बारे में चर्चा हमको जरूर करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि राम मंदिर आंदोलन एक ज्वार था और राजधर्म संस्कृति के लिए हिंदू समाज की नई पीढ़ी में ज्वार होना चाहिए।